और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कहते हैं कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान में लिए गए फैसलों से बनता है और इसलिए जिंदगी में सारे डिसीजन सोच समझ कर लेने चाहिए। और जब बात स्कूल में दाखिला लेने की हो, करियर चुनने की हो, बेहतर अभिभावक बनने की हो या फिर शिक्षा से जुड़े हो कोई भी सवाल, तो आपके हर सवाल का जवाब देगा फर्स्ट इंडिया, जो अपनी खास मुहिम एजुकेशन फर्स्ट के तहत दे रहा है आपको मौका, जहां शिक्षा को लेकर बेबाकी से एक्सपर्ट रखेंगे अपनी राय, देंगे आपके सवालों का जवाब, आपको देंगे करियर के लिए बेहतर टिप्स। और अगर आपके जहन में भी है कोई सवाल तो आप भी हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं स्कूल शिक्षा परिवार के। इसके अलावा राधेश्याम जी मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि शिक्षाविद हैं। इसके अलावा निशा जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चाइल्ड काउंसलर हैं। ललित बांगा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शिक्षाविद हैं। मेरा सबसे पहला सवाल अनिल शर्मा जी आपसे ही है। हम ये कहते हैं कि अगर कल को बेहतर बनाना है तो हमें आज को प्रेजेंट को बेहतर करना होगा, लेकिन अगर प्रेजेंट को बेहतर करना है तो उसके लिए हम शिक्षा को कैसे बेहतर बनाएं? आप शिक्षा के महत्व को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शिक्षा तो जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। अगर हमें माने जिंदगी में खाना भी नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन शिक्षा बिना कुछ भी संभव नहीं है। जानवर से इंसान बनने की प्रक्रिया समझ लीजिए आप शिक्षा के रूप में है। जब तक शिक्षा नहीं होगी हम किसी क्षेत्र में न तरक्की कर सकते हैं, न कुछ सीख सकते हैं, न कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण एक भाग मानना चाहिए जीवन का। जैसे खाना पीना और ड्रेस है, वैसे ही शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अब जहाँ तक शिक्षा की बात आती है तो उसमें देखा यह जाना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स को एक समझ विकसित करनी चाहिए कि बच्चों को कौन से स्कूल में दाखिला कराएं, कैसे दाखिला कराएं, उसकी शिक्षा को खर्च को खर्च माने या इन्वेस्टमेंट माने, ऐसे कुछ बेसिक सवाल हैं। आमतौर पर हम शिक्षा को खर्च मानने लग गए हैं, जो गलत है। शिक्षा खर्च नहीं होकर एक इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में बच्चों के लिए किया जाता है। इसलिए इसको खर्च नहीं मान के इन्वेस्टमेंट माने और शिक्षा के प्रति पेरेंट्स महत्व भी समझिए और निश्चित रूप से समझकर बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला भी कराएं। बिल्कुल। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, नंबर्स पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट्स आपको राय भी देंगे और आपका जो सवाल हो वो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। चलिए फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राधेश्याम जी, शिक्षा के महत्व को अनिल शर्मा जी ने तो बता दिया, लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर खर्चा किसी चीज पे होता है तो वो है शिक्षा ही। और हर कोई एक कंपटीशन की भावना भी आ जाती है कि हाँ, हमारा बच्चा अगर यहाँ जा रहा है तो उसका बच्चा वहां क्यों जा रहा है। ये कॉम्पिटिशन की भावना जो है पेरेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा होती है और वह बच्चे पर थोपते। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स को सबसे पहले तो क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जिस स्कूल में वो दाखिला करवाने जा रहे हैं तो उस स्कूल की फैकल्टी जो टीम है उसके बारे में पूरी अवेयरनेस, उसको जानकारी होनी चाहिए। खाली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर वो एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो ये उसमें एक प्रकार से उसको कहीं ना कहीं उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर एजुकेशन है वो नहीं मिल पाएगी। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर उसमें जिस बच्चे का जो पोटेंशियल है, उसका जो इंटरेस्ट एरिया है, उस इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग और जो जितना भी वो उसमें कह सकता है उसमें कर सकते हैं, तो उसके लिए वो एक प्रॉपर पूरा गाइडलाइन उसमें लेके पूरा काउंसलिंग करके ही उसमें प्रॉपर उसमें स्कूल में एडमिशन करवाए। ललित बांगा जी, आपको क्या लगता है एक अच्छे स्कूल का चुनाव किस तरीके से हो, कैसे आइडेंटिफाई करें पेरेंट्स कि हाँ, हमारे बच्चे के लिए ये स्कूल बेहतर है, सबसे टॉप पर है? देखिए, स्कूल का सिलेक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है। स्कूल को केवल कैंपस से नहीं तोला जा सकता, कैंपस से डिसाइड नहीं किया जा सकता स्कूल को लेकर, क्योंकि स्कूल का मतलब एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना केवल एक अच्छा डॉक्टर बनाने की, ना एक इंजीनियर बनाने की, ना एक फोटोग्राफर बनाने की, ना कारपेंटर बनाने, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने की। अब जब एक अच्छा इंसान बनाने की बात आती है तो अच्छा इंसान बनाने में बनाने वालों का बहुत बड़ा रोल होता है और वो होते हैं टीचर्स। टीचर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस स्कूल के टीचर्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वर्किंग करने वाले हों, उनके चेहरे पर एक खूबसूरत से स्माइल हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कैसे थॉट प्रोसेस के साथ स्कूल कैंपस में एंट्री लेते हैं। साथ ही साथ उनकी एक क्वालिफिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है।
अगर वो क्वालिफाइड होंगे तो उस लेवल की एजुकेशन दे पाएंगे जो बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए चाहिए। और थर्ड पार्ट टीचर्स के लिए जो मुझे लगता है वो उस स्कूल में उन टीचर्स की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर किसी स्कूल में बार बार टीचर स्विच करते हैं तो नो डाउट वहां के बच्चों के लेवल पर उसका इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड पॉइंट जो मुझे लगता है जो आज के लेवल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है मोरल एजुकेशन। हमने क्या किया कि शिक्षा को और नैतिक ज्ञान को अलग अलग कर दिया, जबकि मैं मानता हूं कि बिना मोरल एजुकेशन के शिक्षा का स्वरूप ही डिसाइड नहीं हो सकता। तो वैल्यूज पर हमें वर्क करने वाले स्कूल पर हमें ध्यान देना चाहिए कहां इस चीज पे फोकस किया जा रहा है। देखिए जहां तक करिकुलम की बात है, गवर्नमेंट का जो प्रेस्क्राइब करिकुलम है, बुक्स हैं, वो सारे स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जो वैल्यूज पे वर्क कर रहे हैं? अगर इन चीजों पे हमने आज के टाइम में ध्यान नहीं दिया तो 5 साल बाद की स्थिति ऐसे आने वाली है कि पेरेंट्स आकर ये कहेंगे आप बुक्स को हटा दीजिए और केवल जो है वैल्यूज पे वर्क करिए। और तीसरा पार्ट जो मुझे लगता है जो आज मार्केट को देख के स्कूलों ने अपना लागू करना स्टार्ट कर दिया, डिस्काउंट स्कीम्स, एक के साथ एक फ्री, ऐसा कर दीजिए बुक्स फ्री, यूनिफॉर्म फ्री। एक चीज का जवाब मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने भी प्रोड्यूसर हैं या जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो किसी भी चीज की कॉस्ट को जब डिसाइड करते हैं तो उसमें सारी चीजों को काउंट करके चलते हैं। और कोई भी प्रोड्यूसर हो या सर्विस प्रोवाइडर, वो लॉस में अपनी यूनिट नहीं चला सकता। अगर वो लॉस में चला रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी में कंप्रोमाइज करेगा ही, क्योंकि उसके बगैर वो उस चीज को। सेम हम अपने एजुकेशन फील्ड में देखें, जो लोग इस तरह की स्कीम चलाकर पेरेंट्स को भ्रमित कर रहे हैं, देखा जाए तो अपना एजुकेशन का लेवल घटा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 3 फैक्टर्स पर हर पेरेंट्स को गौर करना चाहिए। बिल्कुल निशा जी, जितनी जिम्मेदारी हम लोग शिक्षकों की मानते हैं उतनी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि घर से ही शुरुआत होती है अच्छी शिक्षा की, तो उतनी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बन जाती है। बिल्कुल, जब भी कोई पेरेंट यूजुअली स्कूल देखने जाते हैं तो उन वो जैसे ललित जी ने बताया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के इतना खुश हो जाते हैं कि वो जो 5 बेसिक एस्पेक्ट जो एक स्टूडेंट को चाहिए होते हैं उस पर भूल जाते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है IQ, कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन उस बच्चे का वहाँ पर डेवलप होगा या नहीं होगा, उसका निर्भर जो है वो टोटली टीचर्स पे करता है। दूसरा होता है EQ, कि इमोशनल क्वेश्चन जो है बच्चों का वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चा अपना घर परिवार माँ बाप भाई बहन छोड़ के एक नए एनवायरनमेंट में जा रहा है, एक ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे वो किसी को भी नहीं जानता, उसके लिए एक नई दुनिया है, तो कहाँ वहाँ पे उसका इमोशनल क्वेश्चन बैलेंस हो रहा है कि नहीं। तीसरा होता है सोशल क्वेश्चन, जिसको हम SQ बोलते हैं, क्या बच्चा वहाँ पे बात करना, अपना वातावरण, अपना व्यवहार अच्छा बनाना, अच्छा करना सीख रहा है कि नहीं। छोटे मोटे जिसको वैल्यूज़ बोलते हैं हम, माता पिता का प्रणाम करना या प्रेयर करना, भगवान को याद करना, ग्रैटिट्यूड, ये सब सोशल क्वेश्चन में आ जाता है। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे स्कूल्स इसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, वो है CQ, क्रिएटिव क्वेश्चन, कि आप बच्चों को सिर्फ पढ़ा तो रहे हो, मैथ्स इंग्लिश हिंदी ज्योग्राफी सब आ रहा है, वॉट अबाउट परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रॉइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कलरिंग हो गया, डांस हो गया, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होते हैं वो आपका CQ बढ़ाता है। इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बच्चों को स्पोर्ट्स PT पीरियड जो हुआ करता था जब हम स्कूल में थे, तो एक PT पीरियड कंपलसरी हुआ करता था, सुबह आते ही पहले PT होती थी, उसके बाद बाकी सारी चीजें स्टार्ट होती थी, वो PT पीरियड तो गायब ही हो गया है। योगा के नाम पे सिर्फ दिखावा है, कोई योगा क्लासेस नहीं हो रही है, कोई योगा प्रॉपर, बस कॉम्पिटिशन के लिए बच्चों को योगा के लिए तैयार कराया जाता है, CBSE ने कंपलसरी कर रखा है, इसलिए प्रॉपर योगा जो कि मानसिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है, वो इतने स्कूलों में जाने के बावजूद मैंने हार्डली कोई 2-4 स्कूल में देखा होगा कि मानसिक संतुलन के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए कोई काम किया जा रहा, बस एक रेस के लिए सबको तैयार किया जा रहा है कि कौन फर्स्ट आएगा, और जो फर्स्ट 10 है उस पे काम किया जाता है कि वो 10 फर्स्ट आते रहे। बिल्कुल, और देखिए स्टूडेंट्स पे अगर प्रेशर होता है तो रिफ्रेशमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, जितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, क्या सवाल है आपका जी? आप हमें गाइड करेंगे एक स्कूल और अच्छा क्या कर सकता है? संस्कार हम भली भांति दे रहे हैं, आपने कहा कि योगा नहीं कराया जाता, आप हमारे स्कूल में आए, हम योगा कराते हैं, हमारी असेंबली बहुत रोचक होती है, हमारे बच्चे। आपका सवाल किससे है? मैम पूरे सम्माननीय मंच से हैं, जिन 4 लोगों को आपने। अनिल शर्मा जी आपके सवाल का जवाब देंगे। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों की एजुकेशन के साथ उनके साथ वोकेशनल एजुकेशन का भी उपयोग कर रहे हैं। मैं इतना बताना चाहूँगा, शिक्षा एक ऐसे मित दायरे की चीज़ है, उसको किसी शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, ये भी शिक्षा है।
सबसे बड़ा तो दिक्कत ये आ रही कि हमने शिक्षा को स्कूल के दायरे में बंद कर दिया, किताब के दायरे में बंद कर दिया। हमें आउट ऑफ बॉक्स आना पड़ेगा इन दोनों चीज़ों के बाद। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने बताया कि हमने वोकेशनल एजुकेशन शुरू की है बच्चों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप वोकेशनल एजुकेशन करिए, आप DMIT टेस्ट के जरिए ये जान सकते हैं कौन बच्चा किस तरह सीखना चाहता है, उसके बाद बच्चे की रुचि अभिरुचि के अनुसार आप क्लासें दे सकते हैं। आप चाहें तो सैटरडे को बहुत एंजॉयबल बना सकते हैं जहाँ बच्चे बैग लेकर नहीं आए, कुछ स्कूल ऐसा कर रहे हैं, बच्चे आते हैं सैटरडे को अपनी एक्टिविटीज़ बताते हैं, उसके बाद टीचर से पूछकर उनके एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह करने का, उनको परफॉर्म करने का मौका दिया जाता है। जैसे कि अभी साइकोलॉजिस्ट मैम ने बताया कि बच्चों की क्रिएटिविटी को निखारा जाए, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को पर डे हाफ एन आवर कम से कम अपने दिल की कुछ करने को कहा जाए, उनको क्या अच्छा लगता है, उसको कैसे कर सकते हैं, इस पर एक चर्चा हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रतिदिन जो करंट अफेयर्स की चीज़ें जो आपके दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं में कहाँ कमी रह गई समाज में या कहाँ सुधार है वो कर सकते हैं। पानी बिजली बचाना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने स्कूल में टीचर्स के रिक्रूटमेंट करते वक्त ध्यान रखें वो कि वो शिक्षा को व्यवसाय नहीं समझे, जिम्मेदारी समझे। जब तक शिक्षा को जिम्मेवारी समझने वाले लोग शिक्षा को व्यवसाय ना समझें और जिम्मेदारी समझें, और इसी वजह से बच्चों का भविष्य भी तभी सवरेगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमारी चर्चा जारी रहेगी और खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वागत है। तो एजुकेशन फर्स्ट, जी हाँ, ये खास मुहिम लेकर आया है फर्स्ट इंडिया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और इस मुहिम के जरिए आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ बाड़मेर से जुड़े हुए हैं, उमाराम सारण जी। उमाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका और किससे सवाल का जवाब चाहते हैं जी? अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ, मेरा सवाल मैं अनिल जी शर्मा से पूछना चाहता हूँ कि मैंने SSP स्कूल के बारे में सुना है, ये कैसे अन्य स्कूल से अलग है, व इसमें मेरे बच्चे को एडमिशन दिलाने पर मुझे क्या फायदे मिल सकते हैं जो अन्य स्कूल में नहीं और SSP स्कूल से मुझे देखने को मिल सकते हैं? अनिल शर्मा जी। भोमाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, बहुत सारे स्कूल्स हैं मार्केट में, प्रत्येक की अपनी अपनी विशेषताएँ होती है। जहाँ तक मैंने SSP स्कूल्स के बारे में वेबसाइट पर इनका अध्ययन किया, कुछ लोगों से मिला हूँ, ये शिक्षा को व्यवसाय नहीं जिम्मेदारी मानते हैं और कुछ नया करने की चाह रखते हैं, जहाँ प्रेयर सिस्टम से लेके संस्कारों को महत्व दिया गया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी कब हुई, जब मैं स्कूल मिलने गया तो बच्चों ने मुझसे नमस्कार किया प्रणाम करके। आप देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो नमस्कार कर रहे थे बच्चे, एक सम्मान की बात थी, वो पेरेंट्स के चरण स्पर्श करने की बात कर रहे थे। एक बच्चे ने अपने दादा को फ़ोन करके पूछा कि दादाजी आप कैसे हैं, हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। ये जो संस्कारों की बात जो हम भूल गए थे उसको ले लिया। वहाँ पे निश्चित रूप से कुछ एक्टिविटीज़ बहुत सारी कराई जाती हैं जो बच्चों में डेवलपमेंट है। वहाँ किताबें के जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो लगा पढ़ाने पे जोर नहीं देके सिखाने पे जोर देते हैं वो। ये सबसे बड़ी बात मुझे जो SSP स्कूल की लगी हुई यूनिक है कि वहाँ सिखाई पे ज़्यादा जोर है, वहाँ बच्चे के प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा जोर है। ललित बांगा जी, कि आप इस बात से सहमत हैं कि आजकल स्कूल्स में हम देख रहे हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है जबकि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है छात्रों के लिए? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। जिंदगी में अगर हम एक छोटे से बीज को उठा के देखें, बीज भी जब वो पेड़ बनने लगता है ना तो सबसे पहले वो धरती का सीना फाड़ता है, अंदर बहुत घुटन होती है लेकिन वो बाहर आता है, यानी कि करने की कला उसमें वहीं से आ जाती है। फिर वो छोटा सा बीज पौधा बनता है और फिर पेड़ बनता है और लोगों को फूल और फल देता है। तो मुझे लगता है कि करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ने से ज्यादा करने को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। प्रैक्टिकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। निशा जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा बच्चा बहुत ज्यादा शरारत कर रहा होता है तो हम उसे कंटिन्यूशन में वॉच करते हैं, उसकी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब बच्चा मायूस होकर एकांत में जाकर बैठा हुआ होता है, वो कुछ बोल नहीं रहा होता है, बेसुध होकर नजर आता है, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखें।
नहीं, कई बार मुझे लगता है कि ये उल्टा भी हो रहा है, जब बहुत ज्यादा ध्यान और बहुत ज्यादा नजर रखते हैं बच्चों पर तब भी बच्चे बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कई बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चों को अपने हिसाब से कई बार छोड़ देना चाहिए, और अगर बच्चे मस्ती नहीं करेंगे या बच्चे एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे? आज साइंटिस्ट ऐसे ही थोड़ी ना बन गए, किसी ने कुछ तो एक्सप्लोर करा होगा, कुछ तो इन्वेंट करा होगा, तभी साइंटिस्ट बनते हैं। तो इसलिए बच्चों को एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में, लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए कि फ्रेंडली बिहेव करें उनके साथ। फ्रेंडली भी देखिए, कभी कभी आजकल के पेरेंट्स जो है, जो हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, उन्हें वो कई बार ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं बच्चों के साथ। वो एक बाउंड्री उन्हें नहीं पता कि वो कब क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए भी जब पेरेंट्स उनको कोई परमिशन देते भी है या कुछ नई चीज करने भी देते हैं तो एक फिक्स एनवायरनमेंट में देते हैं कि आप इतना कर लीजिए, और सब कुछ रेडीमेड होता है। वो रेडीमेड आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आप एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए बच्चों को, बिल्कुल जैसे सर ने कहा है कि जमीन फाड़नी होती है, आपको अंदर से निखर के तभी आएगा जब आप वो जमीन उनको फाड़ने देंगे। जब बच्चे जोड़ना सीख जाते हैं तो हमारे पास एक नहीं, 100-100 की तादाद में हमारे पास साइंटिस्ट होंगे जब जोड़ना सीखेंगे। जब अनिल शर्मा जी, मेरे को लगता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स आज की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो तो सपने दिखा देते हैं, लेकिन बच्चे कहीं उसे प्रेशराइज के तौर पर ना लें, और उनके लिए भी सहमति बहुत जरूरी है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं या फिर जो करियर चुनने के लिए पेरेंट्स कह रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं पूरी तरीके से उससे या फिर नहीं? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारे देश का यहाँ पेरेंटिंग है ही नहीं। हमारे यहाँ बड़े हो गए तो शादी कर देते हैं, शादी हो गई बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद उनको स्कूल में भेज देते हैं और वो ये समझ लेते हैं कि तो बच्चे की सारी जिम्मेदारी स्कूल की है। ये इस परंपरा को बदलना होगा। हमें पहले पेरेंटिंग सीखनी होगी। बच्चों को पालना भी एक कला है। आप ऐसे नहीं है कि बच्चे पैदा करके आप बड़े हो गए तो सब कुछ आ गया। बच्चों पर प्रेशराइजम क्यों कर रहे हैं मेरे समझ नहीं आता। आप रिजल्ट को देखें तो कोटा में जो हत्याएं होती हैं उनके जिम्मेदार माँ बाप और स्कूल और कोचिंग तीनों मिलकर हैं। अगर कभी सजा मिले तो इन तीनों को सजा देनी चाहिए। बच्चे का कोई दोस्त नहीं होता। हम जबरदस्ती बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्या डॉक्टर ही दुनिया है? हम जबरदस्ती बच्चों को इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं तो हम एकेडमिक्स पे इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि बच्चा उस दौड़ में दौड़ता है, नहीं दौड़ता है तो अपने आप को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर लेता है। इस दौड़ के लिए पेरेंट्स को सबसे पहले ये समझना होगा, प्रत्येक बच्चा अनोखा होता है, उस बच्चे में एक खूबी होती है, उस खूबी को निखारो, न कि आप जबरदस्ती अपनी भावनाएं उस पे थोपें। तो बच्चे को पूरी आजादी देनी चाहिए। और एक मैं तो कह रहा हूं, हमारे सिलेबस में हैप्पीनेस इंडेक्स का एक सिस्टम होना चाहिए जो ये नापे कि बच्चा पढ़ने के बजाय हैप्पी कितना है, खुश कितना है। विदेशों में ये चीज आ रही है, हमारे यहाँ भी नहीं आई, पर ये होना चाहिए ताकि बच्चे की खुशी का वो पेरेंट्स को बैठ के उनके साथ चर्चा करनी चाहिए कि बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है, और उसके बारे में चर्चा करके कोई समाधान निकाले। तो हैप्पीनेस तो सबसे पहले, मैं तो कह रहा हूँ स्कूल में एडमिशन लेने से पहले भी तीन चार चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो क्या करना चाहिए, केवल स्कूल के ऐड पे नहीं जाएं, केवल स्कूल की बिल्डिंग पे नहीं जाएं, केवल स्कूल के परिणाम पे नहीं जाएं। पेरेंट्स को कुछ पर्सनल होमवर्क, यहाँ पर्सनल शब्द यूज कर रहा हूँ, पर्सनल होमवर्क का मतलब होता है खुद को जानकारी करना। कई बार क्या होता है, दूसरे ने कह दिया वो स्कूल अच्छा है, चले जाते हैं। हो सकता है उनका बच्चा इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए वो स्कूल अच्छा हो। हो सकता है उनका बच्चा क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट के लिए वो स्कूल अच्छा हो। हो सकता है उनकी कुछ और प्राथमिकताएं थी। प्रत्येक बच्चे की अपनी प्राथमिकताएं होती है, तो पेरेंट्स को कुछ पैरामीटर्स पहले लिख लेने चाहिए कि मैं बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं स्कूल के भेजूंगा तो लर्निंग के लिए भेज रहा हूं, न कि बिल्डिंग खरीदने, स्टेटस के लिए नहीं भेज रहा हूं, सीखने भेज रहा हूं। लेकिन कई बार होता ही है ना कि बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया को देखते हैं, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेविश चीजें वहां पर दिख रही हैं, तो इसलिए वहां चले जाते हैं पेरेंट्स। इसलिए तो मैंने कहा पर्सनल होमवर्क करना होगा। मैंने शब्द इसलिए यूज किया है, ये पर्सनल होमवर्क में ये होगा, वो जाके अगर देखे प्रेयर अच्छी हो रही है, एक दिन प्रेयर में चला जाए चुपचाप और दो तीन दिन रेकी करे कि प्रेयर कैसी होती है, क्या वहाँ संस्कार सिखाए जा रहे हैं, क्या बच्चे एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, क्या बच्चे बस से उतरते वक्त स्कूल में खुशी खुशी जा रहे हैं या छुट्टी के टाइम बच्चा भग के जा रहा है। ये दो तीन चीजें ऐसी है जो बच्चे के हैप्पीनेस इंडेक्स को शो करती है। वो ये भी देखिए फाइनेंशियल भी बड़ी दिक्कत है, पेरेंट्स स्टेटस के चक्कर में बड़े स्कूल में भर्ती करा देते हैं, वहाँ बच्चा कोप अप नहीं कर पाता है दूसरे बच्चों के। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलवर से प्रवीण बत्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रवीण, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती है आप, क्या सवाल आपका? इस समय अध्यापक व अभिभावक दोनों ही गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। बच्चों का स्वभाव पहले की अपेक्षा दिन प्रतिदिन अग्रेसिव होता जा रहा है। आपसे निवेदन है इस संदर्भ में हम सबका मार्गदर्शन करें। निशा जी, आपका स्वभाव अग्रेसिव होता जा रहा है, ये और
आपने एक बहुत अच्छी चीज आपने इनिशिएट करी है कि बच्चों का स्वभाव जो है एग्रेसिव होता जा रहा है, पर उसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि सिर्फ बच्चों का नहीं, माता पिता का स्वभाव भी बहुत एग्रेसिव होता जा रहा है। इसीलिए ये बच्चे कहाँ से देख रहे हैं वो आपको भी एक बार, हमें जो बोलते हैं ना इनर इंटरवेंशन, वो भी हमें करना चाहिए कि अगर माँ बाप का स्वभाव खराब है, माँ बाप अगर एग्रेसिव होते जा रहे हैं तो बच्चे भी उनका स्वभाव वैसा ही देखेंगे। दूसरा जो सबसे मेजर रोल, जो हमें एक एक वो मुन्ना MBBS मूवी आई थी जिसमें उन्होंने एक बहुत पॉपुलर वर्ड है जो फेमस कर दिया था, केमिकल लोचा। ये टीवी और मोबाइल, ये दो चीज ऐसी है जो इतना केमिकली बच्चों को परेशान कर रही है अंदर ही अंदर कि बच्चों में गुस्सा, एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि आप देखिए जरा सी बात पे बच्चे एकदम से बिफर जाते हैं। जरा सी बात बच्चों को याद नहीं रहती है, क्वेश्चन आंसर तो बहुत दूर की बात है पर छोटी छोटी बातें बच्चों का भूल जाना। तो बच्चे अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है, सबसे पहले तो उनको गैजेट फ्री करिए आप। गैजेट फ्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मोबाइल ही दूर करना है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप तो सीरियल पे अपना टीवी देख रहे हो और आप फिर बच्चे को बोलो जा बेटा तू पढ़ ले, ये नहीं हो सकता है। आपको गैजेट फ्री करने के लिए बच्चे के साथ बैठिए, बच्चे के साथ गेम खेलिए। जीवन की 50-60% प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती है जब उनकी प्रॉब्लम कोई सुनने वाला हो। आज के टाइम में सब सिर्फ बोलने वाले हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। टीचर भी बोलती है, काउंसलर भी बोलती है और पेरेंट्स भी सिर्फ बोलते हैं। कोई अगर सुनने वाला हो बच्चों की बात तो बच्चों का एग्रेशन, सही बात ये भी है कि बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको गंभीरता से सुनना चाहिए, पेरेंट्स को बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। राधेश्याम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसके अलावा ललित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे एक्सपर्ट्स ने जो कुछ टिप्स आपको दिए हैं आपके करियर को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा जो जो राय दी गई है, उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट जरूर करेंगे ताकि सही करियर और सही राह आप चुन सके। इसी के साथ ही पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।